गुलमर्ग समेत कश्मीर के पहाड़ों पर फिर से हुई बर्फबारी, बारिश की भी संभावना। बुधवार को गुलमर्ग सहित कश्मीर के ऊपरी हिस्से में बर्फबारी हुई, जबकि श्रीनगर जैसे इलाकों में बारिश नहीं हुई। आईएमडी ने आज भी वर्षा और हिमपात की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ 1 मार्च से सक्रिय हो रहा है, जो अगले 3 दिन तक रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 4.5 और पहलगाम में 2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। गुलमर्ग समेत कश्मीर के ऊपरी क्षेत्रों में बुधवार को भी हिमपात और वर्षा हुई। वहीं श्रीनगर समेत निचले इलाकों में बारिश तो नहीं हुई, किंतु बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी वर्षा और हिमपात के आसार जताए हैं। इधर जम्मू में मौसम साफ रहा और पूरे दिन अच्छी धूप रही। मौसम विभाग ने 27 फरवरी से 4 मार्च तक कश्मीर में दो पश्चिमों विक्षोभ के सक्रिय होने से बर्फबारी व बारिश की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 1 मार्च से सक्रिय हो रहा है, जो 4 मार्च तक रहेगा। इसके प्रभाव के चलते कश्मीर के अधिकांश इलाकों में सामान्य से भारी बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने इस संदर्भ में चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि भारी बर्फबारी बारिश से घाटी का देश व दुनिया के शेष हिस्सों से संपर्क कट सकता है। संवेदनशील इलाकों में हिमस्खलन भी हो सकता है। ऐसे क्षेत्रों के लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। उन्हें उन इलाकों की तरफ न जाने की हिदायत जारी की गई है। पहला पश्चिमी विक्षोभ गुरुवार को समाप्त हो रहा है। आज भी वर्षा और हिमपात होगा। पहाड़ों पर हिमपात व बारिश के चलते कड़ाके की ठंड का प्रकोप बराबर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार गुलमर्ग न्यूनतम तापमान -5.6 डिग्री सेल्सियस के साथ कश्मीर का सबसे ठंडा क्षेत्र रहा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 4.5, पहलगाम में 2.4, कुपवाड़ा में 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।